हाँ जी, आज है मेरे पास सीएमए इंटर ग्रुप टू का ओल्ड सिलेबस का जो आपका कॉसन एफएम का क्वेश्चन पेपर था। पेपर था बड़ा ही आसान, एक एक क्वेश्चन मैच कराता हूँ कि कैसे हमारी ही बुक से एक एक क्वेश्चन आपका आया है, जो यहाँ से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो कॉस्ट का है और एफएम का है, और क्यों हमारी क्लासेस कॉस एंड एफएम के मामले में, चाहे वो सीए हो या फिर वो सीएमए हो, बेस्ट मानी जाती है। मैं एक एक क्वेश्चन मैच कराता हूँ आपको, इवन डिजिट भी मैं आपको मैच कराऊंगा कि पेपर कहाँ से आया है। एक एक चीज जरा ध्यान से देखिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, जो सीए वाले बच्चे भी सीएमए वाले बच्चे भी सभी चीज इसी से एग्री करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस निकाले जाते हैं, ये क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंस का। अब जरा आप इंफॉर्मेशन को देखिएगा जरा ध्यान से। मटेरियल वेरिएंस के अंदर ये है, एक मेरे पास एक क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। ये है हमारी बुक, मतलब कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बुक कौन सी है और पेपर कौन सा है। ये है हमारी बुक का पीडीएफ जो हम देते हैं। देखिए, मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, 8 kg, 4 kg, 6 रुपये, 4 रुपये। इधर आते हैं, मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, 8 kg, 4 kg, 6 रुपये, 4 रुपये, बिल्कुल डिट्टो। आगे आते हैं, ये कितनी यूनिट्स के लिए दिया हुआ है, 10 kg के लिए। तो हम अपने उस पर, ये भी कितने के लिए दिया हुआ है, 10 के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, फिर आइए ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ। 1000 kg का रॉ मटेरियल मतलब फिनिश प्रोडक्ट बना, 750, 500, 7 और 5। जो बच्चे मतलब पढ़ते भी नहीं है वो भी इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। ए का 750 और 500 रेट है, 7 और 5, और 3 वेरियंसेज आपसे पूछे हैं, और क्वेश्चन के अंदर भी आपसे 3 ही वेरियंसेज आपसे पूछे हैं। आई होप एक एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी कि सेम डिट्टो क्वेश्चन है, एक डिजिट भी चेंज नहीं हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, और सीधा सीधा आपके पास उठ के आ गया है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका आया स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, लेकिन इस बार ये आया है ओवरहेड वेरियंस से। इस क्वेश्चन की भी मैं आपको एक एक डिजिट मैच कराता हूं कि देखिए कैसे हमारे ही जो बुक का पीडीएफ है जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो आपके पेपर में आते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी ही बुक, यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो हमारी बुक है या जो कॉस्टिंग की जो हमारी बुक है, इसी के जस्ट नीचे जा रहा हूं। मतलब ऊपर मटेरियल का क्वेश्चन भी सेम आया है, अब मैं जैसे ही इसके नीचे गया और ओवरहेड वाले सेक्शन में आया, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है ऑलरेडी। जिस बच्चे को वीडियो प्रूफ चाहिए तो मैं सॉल्यूशन का जो लिंक है वो व्हाट्सएप आप उससे पर्सनली मांग सकते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन को फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है, बजट डिटेल दी हुई है, एक्चुअल डिटेल दी हुई है। हमारे पास जो पीडीएफ है उसमें आ जाइए, बजट डिटेल दी हुई है, एक्चुअल डिटेल दी हुई है। अब आते हैं डिजिट्स पे, क्या डिजिट भी सेम है। देखिए सबसे पहले आउटपुट है बजटेड 30,000 और एक्चुअल है 32,500। तो मैं क्वेश्चन में आया आउटपुट है कितनी 30,000 और एक्चुअल में कितनी है 32,500। आवर्स है हमारे पास 30,000 और 33,000। तो इधर हम आ गए अपने क्वेश्चन पे, आर है हमारे पास 30,000 और 33,000, एक भी डिजिट अलग नहीं। फिर आते हैं फिक्स ओवरहेड कितने हैं हमारे पास, 45 और 50, आपके पेपर में आया 45 और 50। फिर आते हैं डेज पे कि डेज कितने हैं, हमारी बुक के अंदर डेज है 25 और 26, और आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए डेज है 25 और 26। एक इंफॉर्मेशन हमारे पेपर में अलग थी, मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर अलग थी। वो क्या थी कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो वेरिएबल ओवरहेड का भी क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स था, जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने आसान क्वेश्चन दिया और इस वाली इंफॉर्मेशन को हटा दिया। बाकी आपके सामने क्वेश्चन है, आप बता नहीं पाएंगे कौन सा बुक का था और कौन सा। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके रख दूं, ये है हमारी बुक का और ये है पेपर का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बता नहीं पाएंगे कौन सा क्वेश्चन बुक का और कौन सा क्वेश्चन पेपर का। और सिर्फ दो ही क्वेश्चन नहीं, ये तो जब आप बच्चा मान लीजिए पेपर को उठा रहा है, पेपर को सॉल्व करने का स्टार्ट किया, और किए हुए क्वेश्चन अगर सेम डिजिट वाले क्वेश्चन उसके एग्जाम में आ जाए तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है और पेपर का जो डर है वो बिल्कुल हो जाता है खत्म। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे दिखाता हूं आपको, एक एक अमाउंट मैच कराऊंगा। ये कॉस्ट वाला पार्ट था, अब मैं आ जाता हूं एफएम वाले पार्ट पे। देखिए एफएम वाले पार्ट में सब जो भी बच्चे एफएम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबको डर रहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, और पता नहीं एक कम से कम 100 क्वेश्चन बच्चे उसके करके जाते हैं फिर भी डाउट में रहते हैं कि ऐसा ना हो कि बाहर से क्वेश्चन आ जाए। मैं दिखाता हूं आपको, देखो क्वेश्चन कहां से आया। आप ये जो क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर का है, इसके बाद जो मैं पीडीएफ खोलूंगा वो हमारी बुक है जो हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए एक सिस्टम परचेज करना चाहते हैं हम रिसर्च के लिए, जिसकी जो कॉस्ट है वो 35 लाख रुपए है और उसे चलाने के लिए 7 लाख पर एनम का खर्चा लगेगा। अब मैं दिखाता हूं हमारी बुक जो कि किसके लिए है, जो कि आपकी कैपिटल बजटिंग का जो पीडीएफ है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर है मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11, जरा ध्यान से देखिए। ये भी एक रिसर्च के लिए क्वेश्चन है, रिसर्च के लिए कितना कॉस्ट लगेगी इसमें, 35 लाख की कॉस्ट लगेगी। चलाने के लिए एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना कितने लगेगा, 7 लाख रुपए लगेंगे और 6 साल तक चलेगी। अब आते हैं पेपर में, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था, 6 साल तक चलेगा। अब अगली इंफॉर्मेशन में आइए टेंजिबल बेनिफिट्स वाले पॉइंट में। देखिए सिस्टम जो है ये आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, 12 लाख तक के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद ये एंटिसिपेटेड है कि ये 9 लाख की स्क्रैप वैल्यू आपको देके जाएगा। पेपर में आइए आप,
ये है पेपर आपका 12 लाख की आपकी डिजाइनिंग में मतलब पैसे सेव करेगा, और लास्ट में एंटिसिपेट है कि आपको 9 लाख की रेवेन्यू देके जाएगा। डिट्टो हूबहू क्वेश्चन सेम है, आप बिल्कुल एक एक चीज मैच कर सकते हैं इसके अंदर। 12 लाख 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मैं इधर आया क्वेश्चन पेपर में, 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और आई होप आपने एक एक चीज मैच कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप चाहेंगे तो आप व्हाट्सअप करके मुझे इस पीडीएफ को मांग सकते हैं, या फिर क्यों हमारे से कौशन एफएम की क्लास लेना, किसी भी फैकल्टी की क्लासेस से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं आपको। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया होगा, जिसने कॉस्ट एंड एफएम दोनों हमसे पढ़ी होगी। पूरे पूरे क्वेश्चन यहां पर सेम आए हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है लिवरेज। अब मैं अपनी जिसमें से लिवरेज आप पीडीएफ से पढ़ाया जाता है, उस लिवरेज से देखिए आप फटाफट से। यह है एक लिवरेज की पीडीएफ, जिससे लिवरेज के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका 4। ध्यान से देखिएगा कैसे उन्होंने डिजिट को बस हाफ और डबल किया है, जरा ध्यान से देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके, ये हमारी पीडीएफ है और यह है क्वेश्चन पेपर, देखिए। पहले मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूं, 1,20,000। अगर मैं इसका हाफ करूं तो कितना आएगा, ये एक बैलेंस शीट बनी हुई है, तो मैं इसका अगर हाफ कर दूं तो ये आ जाएगी आपकी 60,000। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मेरी वाली बुक में, आपका क्वेश्चन पेपर में 40,000 फिगर है, तो हमारी जो बुक है उसके अंदर 20,000, मतलब हाफ किया है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 1,60,000 है जो 10% लॉन्ग टर्म डेट है, इसके अंदर भी 10% डिबेंचर्स है, और वो हाफ कर दिया आपने 50%, तो वो 80,000 हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, करंट लाइबिलिटीज 80,000 है, इसका 50% कर दीजिए, कितना आ गया 40,000। अब आ जाते हैं असेट्स वाले पार्ट में, उसको उसने डबल कर दिया, देखिए कैसे। ये है 3 लाख, 3 लाख का हाफ कर दिया 1.5 लाख, और इधर आ जाइए 1 लाख, और 1 लाख का हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा 50,000, और बैलेंस शीट का जो टोटल है यहां पर 2 लाख है, और वहां पर कितना होगा 4 लाख, तो यहां पर 2 लाख है और वहां पर कितना है 4 लाख। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन ऐसा ही है। नीचे आपको असेट टर्नओवर रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज गिवन है, और टैक्स गिवन है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि असेट टर्नओवर गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, यहां पर टैक्स रेट गिवन है, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है। मतलब अगर बच्चा ऐसा क्वेश्चन पेपर में पहले करके गया है और उधर जाके सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए, तो जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है एग्जाम को क्रैक करने का और एग्जेम्पशन नाले का, वो हो जाता है नेक्स्ट लेवल पर। अब मैं आता हूं इस पेपर का, ये पेपर आया कहां से था। अब मैं फटाफट से आपको कुछ एमसीक्यूज इसके बता देता हूं, ताकि कुछ बच्चे जो डाउट में हैं वो एमसीक्यू वाले पार्ट को श्योर करके आगे अपने पेपर की तैयारी करते हैं। तो कुछ जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आप खुद भी देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग पेपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अटेनमेंट ऑफ विजन मिशन और बिजनेस। तो जो बच्चे ने आंसर लगाया है बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, पीवी रेशियो ऑफ रॉक्सी लिमिटेड इज 50%, वाइल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, सेल्स ऑफ द कंपनी 50 लाख, नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, कंपनी की सेल 50 लाख है, अगर मैं इस 50 लाख का 40% निकालू तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ जाएगी मेरे पास। हालांकि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में पीवी रेशियो मेरा 50% है और मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स कैसे निकालूंगा, मैं 50 लाख को 40% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ गई 20 लाख, नेट प्रॉफिट मुझे पता नहीं है और पीवी रेशियो मुझे पता है 50%। अगर मैं 20 लाख का 50% कर दूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 10 लाख। तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए इसका वो होना चाहिए 10 लाख। जो भी बच्चे इसके अलावा कोई लगा के आए तो वो है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका किससे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बजटेड फिगर्स गिवन है कि रेट पर यूनिट है 9000 एक्चुअल में यूनिट्स बनी, तो 9000 यूनिट्स इनटू 5 यहां पर 45,000 आ गया। एडवर्स करके आपको एक वेरिएंस गिवन था जो वॉल्यूम वेरिएंस है, तो आपने इसमें प्लस करके स्टैंडर्ड ओवरहेड्स निकाल लिए। अब आपसे क्या पूछे क्वेश्चन ने, बजटेड प्रोडक्शन। अब ये स्टैंडर्ड ओवरहेड्स दो तरीके से निकल सकते हैं, स्टैंडर्ड आर्स इनटू स्टैंडर्ड आर रेट पर आर, और या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अब मेरे पास 50,000 है और मेरे पास यूनिट्स का स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपए, जो कि क्वेश्चन ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये 5 रुपीज है। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर आता है 10,000 यूनिट्स। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10,000 यूनिट्स, ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ये एक लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, इसमें एक बार आप आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा। 100 मिनट लगते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी 90% हो जाती है, तो मेरे हिसाब से जो इस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही है, 80 मिनट्स। एक बार इसको आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा। ट्रांसफर प्राइसेस जो है वो किसके लिए लगते हैं, जनरली तो ट्रांसफर प्राइसेस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए लगते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर फिनिश प्रोडक्ट भी लगा के आए होंगे, इसको लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में हूं कि आपका इंस्टीट्यूट क्या आंसर देगा। अगर ये क्वेश्चन आईसीएमआई के स्टडी मैट एमसीक्यूज में है तो इसे एक बार क्रॉस चेक करिएगा। जीरो बेस्ड जो बजटिंग है कहां पर सूटेबल होती है, तो जीरो बेस्ड जो बजटिंग है मैन्युफैक्चरिंग में कई बच्चे लगा के आएंगे, लेकिन डिस्क्रिशनरी मतलब होता है जहां मर्जी वहां लगा लीजिए, तो किसी भी एरिया में आप इसे लगा सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट इसके मैच द फॉलोइंग पार्ट पे, देखिए जरा ध्यान से। गैंग वेरिएंस किसको बोलते हैं, तो गैंग वेरिएंस जो है
इन्होंने जो ए लगाया है अराइजेज ड्यू टू चेंज इन द स्किल्ड वर्कर्स, जो नंबर ऑफ प्रोपोर्शन है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का उससे आता, तो बिल्कुल ठीक लगाया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है जैसे बच्चे ने लगाया है सी, इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म और ब्रेक इवन सेल उसके बाद जो होती है, तो बिल्कुल ठीक है। हायर जो जितना भी ज्यादा एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होता है तो ब्रेक इवन से बाद वाली सेल्स दिखाता है और वो आपके प्रॉफिट वाली सेल्स को दर्शाता है, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस बजट, बच्चे ने लगाया एफ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये आपको परफॉर्मेंस बजट बनाना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन प्रीडिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, तो मुझे लगता है इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, तो जो बच्चे ने लगाया है ये वाला पार्ट मुझे उसका गलत लग रहा है, और बॉस्टन जो है आपका बॉस्टन ई, ये वाला आंसर इनका ठीक होना चाहिए। तो इसका मतलब एक इनका जो मैच द फॉलोइंग गलत है और बाकी आप देख सकते हैं। ये आ गए अब ट्रू और फॉल्स पे। वेदर देर इज एन नॉट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो जो प्रॉफिट है वो इक्वल होगा, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू पॉइंट है ये। ट्रांसफर प्राइसिंग कैन ऑलवेज बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, इसमें कॉमा की मिस्टेक है जिसकी वजह से फॉल्स लग रहा है, अदरवाइज ये ट्रू होना चाहिए। तो आप जरूर बताइएगा कि आपने क्या लगाया इसका। बजट मैनुअल जो है वो ओनली कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हाउ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विल बी कंपेयर्ड विद बजटेड फिगर, जो कि एक फॉल्स है, बिल्कुल सही लगाया बच्चे ने, ये पूरी पिक्चर को शो करता है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग आइदर सेलिंग प्राइस और डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, या तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट को बढ़ा दो या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कम कर दीजिए, दोनों से ही आपका जो आंसर है वो ठीक आता है। फिर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे पेपर का फुलफ्लेज सॉल्यूशन अपलोड कर दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एग्जाम के बीच में तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि काफी सारे बच्चे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं इसका फुलफ्लेज सॉल्यूशन डाल दूंगा अगर आप मुझसे बोलेंगे तो। नेक्स्ट, फिर आ गए हम एफएम वाले पार्ट पे। एफएम के अंदर आते हैं क्लिनिटियल इफेक्ट, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको खुद से चेक करिएगा कि कौन से डिविडेंड मॉडल के अंदर आता है। आगे, रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर ऑफ द गुड्स एंड फाइनेंशियल फर्म इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, तो वो असेट के लिए होता है, लीज हायर परचेज सिस्टम फिक्स असेट्स के लिए होता है, ये नहीं होगा, फोरफिटिंग नहीं है, फैक्टरिंग नहीं है, तो आंसर इसका लीज और हायर परचेज में से होना चाहिए। ऊपर गुड्स लिखा है इसलिए मैं लीज लिखा रहा हूं, हालांकि लीज भी असेट्स के लिए ही होता है। फैक्टरिंग, रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर ऑफ द गुड्स एंड द फाइनेंशियल फर्म, तो आंसर इसका मेरे हिसाब से मान लीजिए आप फैक्टरिंग आंसर होगा, फाइनल आंसर जो है वो फैक्टरिंग होगा, क्योंकि इसमें फर्म से पूछ रहा है कि फाइनेंशियल फर्म जो आपके गुड्स जो डेटर्स को खरीद लेती है। नेक्स्ट, करंट असेट्स जो है वो 40 लाख की है, क्विक रेशियो 1.8 है, इफ द करंट लाइबिलिटीज आर 20 लाख व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा क्या आंसर आएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको बाकी के रिमेनिंग एमसीक्यूज बता दूं, हालांकि क्विक रेशियो का मतलब आपको पता ही है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटी करंट जो असेट्स होती है उसमें आपको क्विक असेट्स को हटाना पड़ता है, तो क्विक असेट्स वहां पर निकल जाती है डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। असेट्स ने टोटल बताई है 4 लाख, अगर इसका 1.5 कर दें डिवाइड करके, क्विक रेशियो 1.8 है, तो अगर हम इसे 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18, 3, 36 और 40, 40,000 आना चाहिए वैसे, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके कैलकुलेटर पे अच्छे से, 40,000 इसका आंसर आना चाहिए। बोनी लिमिटेड हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर ऑफ विच 10 लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10%, मार्केट प्राइस 6 है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, तो केई का आपको फॉर्मूला पता होगा, जस्ट डिविडेंड पे किया 3 का 3 पर शेयर ऑफ 10 ईच लास्ट 3 इयर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%, तो इसका मतलब 3.1 हो जाएगा ये मार्केट प्राइस, अगर क्वेश्चन 60 है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 3.1 और 60, इसका एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, मुझे एक बार कैलकुलेशन ही खुद ही करनी पड़ेगी, तो मान लीजिए मैं आ गया इधर कैलकुलेटर पे, अगर ये चल जाए तो 3.1 और इसको मुझे डिवाइड करना है 60 से और मल्टीप्लाइड करना है 100 से, 5.16 ऐसा कुछ दिखा रहा है। आप एक बार कैलकुलेटर पे करिएगा इसको कैसे आएगा, 3.16 क्या आंसर आया था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, 3.1 सेकेंड, दोबारा कर लेते हैं, 3.1 डिवाइडेड बाय 60, तो मुझे एक बार कैलकुलेटर पे करोगे तो आप इसका एग्जैक्ट फिगर देख पाओगे, लेकिन जो ग्रोथ मॉडल है वो क्या कहता है, 3.1 इस तरीके से होता है और फिर जो ग्रोथ रेट है वो 10% इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर मुझे अमाउंट ठीक से नहीं दिख रही है कि अमाउंट क्या लिखी हुई है, मैं एक बार दोबारा से देख लूँ, 5.16 मुझे नजर आ रहा है थोड़ा सा उल्टा देख के, तो आप भी एक बार चेक करके मुझे बताइएगा, तो ये आ जाएगा 5.16, तो ये आ जाना चाहिए 15 point something, तो फिर एग्जैक्ट जो फिगर है इसका तो 15 point, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू टोटल ऑफ कैश इनफ्लोज जो प्रोजेक्ट की है 5 है, इतनी है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो पीआई का आपको फॉर्मूला पता होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, यानी इनिशियल कैश आउटफ्लो से, तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका आ जाता है 1.05 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 337050 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपसे पूछा है, तो अगर इसको डिवाइड कर दे हम 1.05 से, तो मैंने एक बच्चे का आंसर इसका क्रॉस चेक पहले ही कराया था 321000 इसका सही आंसर होगा, जो भी बच्चे लगा के हैं 321000 बिल्कुल करेक्ट है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कम्स अंडर कौन से फॉलोइंग, तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, तो ये भी इस बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल सही था। बाकी आप ट्रू फॉल्स वगैरह इस पे ज्यादा फोकस ना करके, हालांकि जो भी आप बोलोगे मैं बता दूंगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं होता, ये थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता, ऑप्टिमम कैश बैलेंस नहीं होता, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं, और वेंचर कैपिटल थ्योरी ऑफ, बच्चे का देखते हैं क्या क्या लगाया है उन्होंने, रेगुलेट द प्राइस स्टॉक स्प्लिट्स वेंचर कैपिटल नहीं, वेंचर कैपिटल कमर्शियल एंड अनप्रूवन टेक्नोलॉजी, आप मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट इसका होगा, और एमएम अप्रोच जो है आपकी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से आती है, तो ये फोर्थ का डी वाला पार्ट होगा। वेंचर कैपिटल क्या होता है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस नहीं है, स्टॉक स्प्लिट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स नहीं है, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर्स, तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक स्प्लिट ऑप्टिमम कैश बैलेंस नहीं है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वो होते हैं रेगुलेट्स द प्राइस ऑफ द शेयर्स नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गलत ऑप्शंस लग रहे हैं मुझे इसके अंदर, कमर्शियली अनप्रूवेबल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कैश से रिलेटेड है आप ऐसा मान के चलिए, तो इन्होंने एफ लगा दिया है, तो उल्टे सीधे आंसर मतलब ऑप्शंस मुझे इसमें खराब लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, लिक्विडिटी रेशियो ऑफ अ कंपनी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल बजटिंग, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फ्रॉम एन इन्वेस्ट, क्या ये बात सही है, यस। इफ डिविडेंड पर शेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिक्लाइंस द डिविडेंड यील्ड रेशियो, इसका मतलब मार्केट प्राइस अगर डिक्लाइन हो जाएगा तो वो इंक्रीज करेगा, तो क्या ये बात सही है, यस। वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंशियल फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड कंपनी, क्या बात सही है, तो मुझे सारे ऑप्शंस के ट्रू फॉल्स में सही लग रहे हैं। आई होप इसका इसके एक बार मैच द फॉलोइंग एक बार आप खुद से क्रॉस चेक कर लीजिएगा बुक से, बाकी जितने भी आंसर मैंने बताए हैं आप एक बार खुद भी जो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल आपको सारे यहाँ पर सही मिलेंगे, थ्योरी एक बार आप बुक से मैच कर लीजिएगा डिविडेंड वगैरह के मॉडल की। तो ये था आपका कॉस एंड एफएम पूरे पेपर का समअप, पेपर कहाँ से आता है, इस पेपर से आप क्या टेक अवे ले सकते हैं, इस पेपर से आप ये टेक अवे ले सकते हैं कि अगर आप सही क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, सही मेंटरशिप में और इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, वो चाहे वो कॉस्ट है या एफएम है, तो आपके मार्क्स आएंगे पूरे पूरे। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, वीडियो अगर आप यहां तक आ गए हैं, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए यहां पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जो मैं यहां पर लिख रहा हूं आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, इस पे आप क्लासेस को बाय कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।